23, 24, 25 फरवरी को होंगी G20 की बैठकें। खजुराहो को सांसद विष्णु दत्त शर्मा के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक रूप से G20 के लिए चुना गया। बीजेपी MLA राजेश प्रजापति की TI से हॉट टॉक वीडियो वायरल। छेड़छाड़ मामले में दर्ज कराने पहुंचे थे FIR, देर रात तक धरने पर बैठे रहे। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाने में रविवार रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल चंदला विधानसभा से विधायक राजेश प्रजापति रविवार रात 11 बजे समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक महिला से हुई छेड़छाड़ को लेकर FIR दर्ज करने की बात कही। इस दौरान उनकी थाना प्रभारी हेमंत नायक से बहस हो गई, जिसके बाद करीब 11:30 बजे विधायक थाने के गेट पर ही धरने पर बैठ गए और वे सुबह 4:30 बजे तक FIR और थाना प्रभारी पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने तक धरने पर बैठे रहे। पहले जानिए रविवार रात हुआ क्या था। मामले को लेकर एक 45 सेकंड का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राजनगर विधानसभा से विधायक राजेश प्रजापति लवकुश नगर थाने के चैनल गेट पर बैठे हुए हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि ये देखिए ये कैसी बात कर रहे हैं, वह भी विधायक से। तभी पास खड़े थाना प्रभारी हेमंत नायक जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बनाइए वीडियो, विधायक से बात नहीं करें, जबरन झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं आप, चिल्लाइए नहीं मेरे पर, आप चिल्ला नहीं सकते। तभी थाना प्रभारी कहते हैं कि आप आराम से बात करिए, आप बैठिए और झूठा मुकदमा कायम कराने आ गए, बताइए कहाँ किसको चोट लगी है, साहब से बात कर लीजिए, साहब लाइन पर है, आप झूठा मुकदमा कायम करने आए हैं। इसके बाद विधायक ने कहा कि आप बात कीजिए, आप मुकदमा झूठा किए हैं, आप उल्टी सीधी बकवास नहीं कर सकते हैं। इसके बाद थाना प्रभारी ने भी विधायक से कहा कि ए बकवास की बात नहीं करना, मुझसे बता दिया मैंने, अगर उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। थाना प्रभारी लाइन अटैच ASP को सौंपी जांच। मामले के बाद देर रात छतरपुर SP सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और विधायक को धरना खत्म करने के लिए कहा, लेकिन विधायक थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर डटे रहे। भाजपा विधायक को धरने पर बैठा देख बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी हेमंत नायक पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद वह धरने से हटे। मामले में सोमवार को सुबह छतरपुर SP सचिन शर्मा ने एक ट्वीट कर कहा कि थाना के वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच ASP विक्रम सिंह को सौंपी गई है। FIR ना लिखते हुए थाना प्रभारी बदतमीजी करने लगे प्रद्युम्न सिंह लोधी। बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि विधायक जी FIR की मांग को लेकर लवकुश नगर थाने आए थे। थाना प्रभारी हेमंत नायक FIR ना लिखते हुए उनसे बदतमीजी करने लगे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हम सभी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है और अब जो भी कार्रवाई बनेगी वह भी की जाएगी। जी आज विधायक जी लवकुश नगर थाने में भाजपा विधायक है चंदला के, उनके साथ अभद्रता का मामला है, क्या ये पूरी घटना है, आप क्यों धरने पर बैठे हैं आधी रात को यहाँ पर? कुछ FIR का विवाद था, मैं एक गूंगी महिला के FIR नहीं की जा रही थी तो माननीय विधायक जी ने कुछ यहाँ DI को बोला होगा, उसके बाद वो FIR नहीं हुई होगी, तो जब महिला के परिजनों ने बताया होगा तो माननीय विधायक जी यहाँ आए थे। उस दौरान हॉट टॉक यहाँ हुई, गर्मा गर्म की बात हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ है, हम सब ने देखा है। उस संबंध में हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी मौके पर आए, SP साहब सब लोग पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर हैं और अभी हम लोगों के बैठकर चर्चा हुई है। जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हजार कर दिया गया है, आने वाले समय पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो विधायक जी की मांगे हैं वो पूरी होंगी और जो विधायक जी की मांगे थे वो पूरी हो गई। इसमें देखा जाए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, यदि भाजपा के विधायक के साथ ही सरकार की प्लस अभद्रता करेगी तो इसका क्या संदेश जाएगा, क्या वो विषय उस समय का है जब वो हॉट टॉक हुई है, उस पर हम और गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई तो हुई है। ऐसे बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, समय पर इस प्रकार कोई इस प्रकार की बात कर देते हैं जिससे पूरा माहौल खराब होता है, शासन का भी और प्रशासन का भी। ऐसे लोगों पर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके SP साहब से बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन क्या, तो तय हो गया कि कार्रवाई होना है, क्योंकि रात अभी सुबह कार्रवाई हो जाएगी, बिल्कुल अभी हम लोगों ने बैठ के चर्चा करी है, कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, एक जो गूंगी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला है उस पर मामला दर्ज नहीं हो रहा था, उस पर क्या कहा उन्होंने? सभी पर कार्रवाई हो, जो माननीय विधायक जी चाह रहे हैं
वो सब पर सहमति बनी और सभी कार्य सभी पर कार्रवाई होगी। वर्तमान में देखा गया है कि आपकी विकास यात्रा चल रही है और यहाँ पर आज विधायक जी के साथ में इस प्रकार की घटना हुई, तो क्या इससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है पुलिस की कार्यशैली कैसी होगी? आप पुलिस की कार्यशैली अलग होती है और व्यक्तिगत कार्यशैली अलग होती है, ये पूरी विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये व्यक्ति का मामला है और व्यक्ति ने यदि गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। थाने के परिसर में वो विधायक और टीआई के बीच में हॉट टॉक हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक क्या जा रहा है? छतरपुर जिले के थाना लवकुश नगर अंतर्गत ग्राम मुंडेरी से एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जहाँ पे एक व्यक्ति के खिलाफ 3 लोगों ने मारपीट की थी और जैसे ही फरियादी अपनी रिपोर्ट करने पहुंचा था, पीछे से उसी व्यक्ति के खिलाफ एक महिला भी आवेदन लेके आई थी कि उसने उसके साथ छेड़खानी करी है। इसी में विधायक जी उस महिला के साथ उस आवेदन को लेकर आए थे और वहाँ पे कुछ हल्की फुल्की विवाद हुआ था जिसका संज्ञान लिया गया है। इसमें जो थाना प्रभारी हैं उनको लाइन संबद्ध किया गया है, जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर के अधिकारी को दी गई है और जो भी इसमें तथ्य निकल के आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने देर तक कितने घंटे बैठे थे सर वहाँ पे? जी समय का आकलन मैं मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है।